देखिए, मुझे मालूम है कि आपकी सीधी बातचीत होती है हमास के लोगों के साथ, आप उनके रिक्वेस्ट करके जो इसराइल के उन्होंने लेडीज और बच्चों को उठाया है वापस करा दीजिए, युद्ध रुक जाएगा। आप सीधी बात तो कीजिए, आप हमेशा इसराइल को युद्ध बोल, आप युद्ध रोकने के लिए हमेशा इसराइल को बोलती हैं, आप प्लीज हमास को भी बोल दीजिए करिए करिए। सर मैंने कब कहा इसराइल का, मैं कह रही हूँ कि इसराइल में नुकसान हो रहा है, मैं उसको मान रही हूँ, मैं कब से सर इसराइल को फेवर कर रही हूँ, क्या कर रहे हैं आप, मुझे मरवाएंगे क्या? नहीं नहीं मैं हरगिज हमास का साथ नहीं दे रही, मैं इसराइल को ही कह रही हूँ कि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन बहरहाल ये चीज कहीं रुक जानी चाहिए और मजीद जाने नहीं जानी चाहिए। और ये जो बड़ी कंट्रीज हैं स्पेशली अमेरिका वगैरह, जाहिर है सब इन्हीं के हाथ में, ये तो सबके माई बाप बने ना, तो इनको ही बीच में पड़ना होगा। लेकिन अमेरिका इस वक्त जो स्टेटमेंट दे रहा है उस लिहाज से तो यही लगता है कि वो मूड में नहीं है, क्योंकि उसके हथियार भी तो सेल हो रहे हैं। नहीं, हथियार का कोई इशू नहीं है इसराइल को, अमेरिका के कोई हथियार नहीं चाहिए, इसराइल के पास अपना बहुत कुछ है, और जो टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है, शायद अमेरिका को इसराइल से खरीदनी पड़ेगी, ऐसी टेक्नोलॉजीज वो लेके बैठे हैं। बट मैं वो फिर बहुत बोल करता हूँ कि जिसके घर में आग लगी हो फायर ब्रिगेड उसी को यूज करनी पड़ती है, दूसरे को नहीं पता कि आग की गर्मी कितनी है और इसमें क्या कुछ जल गया उनका। सो आज इसराइल सहन कर रहा है, जिस दिन आपकी कंट्री सहन करेगी, अभी तो क्या है 13-14 प्लेन ही जो जले हैं आपके, अभी भी हैं 10-15 जो जलने वाले हैं। नहीं नहीं सर, शुभ शुभ बोले सर, ऐसा कुछ नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में आई विश के कभी ये सिचुएशन ना हो जो इसराइल और फलस्तीन में। हाँ ये थोड़ी बहुत जो लगी रहती है ये ठीक है, इसमें अच्छा रहता है थोड़ा सा हमें भी डिबेट करने को, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर। अभी तो मैंने सिर्फ हल्का सा बोला है, आपकी चीखे निकल गई, आप सोचिए देखिए इसराइल के ऊपर। नहीं नहीं सर, मैं मेरी कोई चीखें नहीं निकल गई, मैं बहुत मेरे बहुत प्यारे दोस्त जो है वो भारत में भी रहते हैं, मेरे बहुत अच्छे लोग मेरे जो है वो पाकिस्तान में भी रहते हैं, और आई विश के ये सिचुएशन ना है। बाकी जो थोड़ा बहुत चलता रहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में वो उसकी खैर है, वो हमेशा से चलता रहता है और हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त इसराइल और फलस्तीन की है सर, उससे बिल्कुल भी वो सिचुएशन यहाँ के लिए मत कहिए, क्योंकि वो मैंने भारत पाकिस्तान की बात करी ही नहीं, मैं तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। एक ही बात है सर, बॉर्डर लगे हुए हैं, यहाँ पर आग लगेगी तो वहां पे भी दो चार फुलझड़ियां चली जाएंगी सर, ऐसा मत कीजिए। वैसे भी वो टाइम चला गया मैडम, अच्छी बात करे सर, वो टाइम चला गया कि उधर लगेगी आग तो इधर भी आएगी, चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं सर, अगर पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी जो कि आई विश के कभी ना हो, तो उसका असर बहरहाल उसके साथ साथ जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है सभी का होगा, तो इसलिए अच्छा सोचना चाहिए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लगा रहता है वो खैर है, वो तो एक घर में रहने वाले दो तीन बहन भाई होते हैं, उनके भी आपस में जो है वो ओपिनियन नहीं मिलते, तो वो चलता है, उसकी फिक्र नहीं मुझे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ से तो मौलाना साहब चले गए कतर, पहले उन्होंने कहा था गजा जा रहे हैं, सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप तो कह रही थी गजा जा रहे हैं तो कतर चले गए, तो अगर बीच में मौलाना साहब का मूड चेंज हो जाए और वो कहीं और उतर जाए तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ फ्लाइट छोड़ के, लेकिन ये जरूर है कि मौलाना साहब कतर गए, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या करने गए हैं, क्या बात करने गए। लेकिन सर चाइना इस वक्त आपके ख्याल से क्या सोच रहा है, कहाँ खड़ा है? इसराइल के साथ तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन क्या आपके ख्याल से कि चाइना में क्या सोचा जा रहा है इस वॉर को लेकर? आरजू जी, पहली बात यह है कि जो आपने बोला था, आपने आप ही ने सबसे पहले न्यूज दी थी कि ये जो फजलू डीजल है ये जाएगा गाजा में, तो उन्होंने भी ये बोला कि मैं गाजा जा रहा हूं। अब उन्होंने क्या किया कि जो एक ना एक होता है जैसे एक लेटर दिया जाता है, उसके बाद एक छोटे से लेटर भी दिया होता है ना, कंडीशन अप्लाई, तो इतना छोटा होता है कि हम पढ़ नहीं सकते, आपने कई बार एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा। तो फजलू जो है इनकी भी जो स्टेटमेंट थी उसमें नीचे था आई एम गोइंग टू गाजा, वो तो बोल्ड में था, जो नीचे लिखा हुआ था गाजा में जो हमास का लीडर है उससे मिलने जा रहा हूं, तो वो कतर में बैठे हैं तो उन्हीं से मिलने जाएंगे और वहां बैठकर इन्होंने वहां जाना है और उसके नाम पर उसकी जब मीटिंग करनी है तो वहां पर जितने भी पाकिस्तानी कतर में होंगे उनसे ये चंदा इकट्ठा करेंगे, जो इनकी रवायत है पुरानी, तो ये वहां पर चंदा इकट्ठा करने गए हैं, और अगर तो चंदा अच्छी तरह से इकट्ठा हो गया तो ये वहीं से वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। अगर इनको लगा भी जितने में बिलियंस ऑफ डॉलर इकट्ठे करने आया हूं अपने पर्सनल अकाउंट के लिए, अगर उतने नहीं हुए तो ये उसे हो सकता है कि ईरान चले जाए, उसके बाद फिर
तुर्की चले जाए जहां पर पाकिस्तानी रहते हैं, और इस चूर्ण को बेच के ये पैसे इकट्ठे कर लेंगे ताकि उस पैसों से ये आके डीजल खरीदे और दो नंबर में बेचे पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो हो गया इनके ट्रिप का पूरा हिसाब किताब, क्योंकि गाजा में ये अपने आप का बाजा बजाने के लिए तो जाएंगे नहीं, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। सो एक कंडीशन अप्लाई थी, कंडीशन अप्लाई मैंने समझा दी। अब आप आते हैं चाइना के ऊपर, आपका माई बाप चाइना क्या सोच रहा है। चाइना सोच रहा है कि युद्ध बंद ही ना हो। दो रीजन है कि एक तो आपने जैसे बोला कि इसराइल के साथ नहीं खड़ा चाइना, वो खड़ा है पैलेस्टीन के साथ। एक ही रीजन है, मैंने कल भी समझाया था आज दोबारा से, क्योंकि पाकिस्तानी की मैं देखता हूँ कि थोड़ी मेमोरी शॉर्ट होती है, बार बार बोलना पड़ता है। तो एक तो ये रीजन है कि चाइना डजंट वॉन्ट कि कहीं भी मुस्लिम वर्ल्ड में उगर मुस्लिम्स का मुद्दा उठाया जाए, तो उन्हें खुश करने के लिए वो मुस्लिम्स का साथ देते हैं, ज्यूज का साथ नहीं दे रहे। एक तो ये रीजन है। दूसरा एक और रीजन है इनका, हमास को सपोर्ट करना या पैलेस्टीन को सपोर्ट करना। वो बोलते हैं कि हम हमास को सपोर्ट नहीं करते, हम पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, ताकि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो मिडल ईस्ट है, उसके साथ इन्होंने बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप बनाना है। पैसे का मामला है भाई, मिडल ईस्ट वालों के पास पैसा है, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। इनके पास ये है कि भाई हमें पूरी दुनिया से कहीं भी ऑर्डर नहीं आ रहा, इनके साथ रिलेशन बनाओ, पैसे आएंगे। जैसे आपके साथ इन्होंने रिलेशनशिप बनाया था कि आपसे पैसे आएंगे इनके पास, तो बड़े बड़े कंट्रीज के साथ ये रिलेशन बनाते हैं, आपको पता ही है। तो उसमें मिडल ईस्ट हो गया, आप हो गए, तो क्योंकि आप भी अपने आप को अरबी बोलते हैं, तो ये भी उस झांसे में आगे कि शायद अरबी ही है पाकिस्तान के अंदर, तो उस झांसे में इन्होंने आपको भी 25 बिलियन डॉलर दे दिए कि भी 25 देंगे, 50 तो आएंगे ही, वो बाद में पता लगा कि क्या हो गया। तो वैसे ही अब ये मिडल ईस्ट में जा रहे हैं, तो ये रीजन है जिसके कारण ये पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, ज्यूज को नहीं करते। ये तो हो गया मेजर रीजन। दूसरा जो इशू है, ये एंटी ज्यूज क्यों है। एंटी ज्यूज इसलिए है क्यों, ज्यूज है पैसे वाले, सबसे अमीर जो लोग हैं वो ज्यूज हैं, और ज्यूज अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं उसको इफेक्ट करते हैं, उसमें इनकी पूरी पकड़ है, फाइनेंशियली ऑल्सो पॉलिटिकली ऑल्सो। तो इन्हें ये लगता है कि अगर हम ज्यूज की सपोर्ट करेंगे तो ये जो अमेरिका को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है वो ज्यूज ने किया है, और इनकी लड़ाई चाइना की अमेरिका से ही है, तो अमेरिका को अगर डाउन करना है तो जो अमेरिका को खड़ा कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण ये ज्यूज के अगेंस्ट है, यानी कि इसराइल के अगेंस्ट है, पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं। तो मैंने आपको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक दोनों समझा दिए। अब देखना ये है कि क्या मुस्लिम वर्ल्ड इनके साथ खड़ा होगा। खड़ा इसलिए हो रहा है बिकॉज चाइना पैसे फेंक रहा है, प्रोजेक्ट्स कर रहा है। दूसरा ये चाहते हैं कि वो चुप रहे उगर मुस्लिम्स के ऊपर, जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड में बात ना करे, क्योंकि अगर वो मुद्दा खड़ा होगा तो सारे यहाँ पे जिहादी जो यहाँ पे ना इंडस्ट्री बनाई हुई है सबे 57 कंट्रीज ने, पता लगे वही उन्होंने उठाकर एक्सपोर्ट कर दी चाइना में। चाइना वो नहीं चाहता है कि इनके डोर के ऊपर वो जिहादी भेजे जाए, इसलिए इनकी मजबूरी है पैलेस्टीन को सपोर्ट करना। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, और इसी के बीच में हमास आतंकी के बेटे ने पोल खोल दी है और उसने कहा है कि इसराइल फिलिस्तीनियों के खून का प्यासा नहीं है। सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो ने सनसनी पैदा कर दी है। IDF द्वारा पोस्ट वीडियो में ये कहा गया है कि ये जो लड़का बात कर रहा है वो हमास आतंकी का बेटा है। वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि कैमरे के सामने बोल रहा शख्स हमास के संस्थापक नेताओं में एक का बेटा है जिसका नाम मोसाब हसन यूसुफ है। वो वीडियो में ये कह रहा है कि इसराइल फिलिस्तीनी खून का प्यासा नहीं है। साथ ही ये कैप्शन दिया गया है कि ये शख्स हमास के आतंकी साये में पला बढ़ा, कई सालों तक इन्हीं के बीच में रहा और उसके बाद वहाँ से भाग निकला। ये हमास के संस्थापक नेताओं में से किसी एक का बेटा है और इसने हमास के बारे में सच्चाई बताई है। इस वीडियो में मोसाब हसन यूसुफ कहता है कि जब भी उन्हें पैसा चाहिए होता है वो कुछ वर्षों में युद्ध शुरू कर देते हैं, वो बच्चों का खून बहाते हैं, निर्दोषों की जान लेते हैं और ये उनके लिए एक खेल जैसा है। उसने इसराइल के बारे में कहा कि इसराइल एक लोकतांत्रिक देश है, इसराइल फिलिस्तीनियों के खून का प्यासा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि गाजा के एक अस्पताल में हुए हवाई हमले के दौरान 500 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर हमास समेत कई इस्लामिक नेताओं ने इसराइल को जिम्मेदार ठहरा था।
तब इसराइल ने कहा था कि हमले के पीछे वो नहीं बल्कि इस्लामिक आतंकी संगठन है। तो इसी बीच इस वीडियो ने एक तरह से हड़कंप मचा दिया है और इसराइल ने ये वीडियो जारी किया है और इसकी पुष्टि भी की है कि ये जो शख्स है वो हमास के नेताओं में से किसी एक का बेटा है और वो ये मानता है कि हमास एक आतंकी संगठन है और ये समय समय पर सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाता रहता है।